अस्सलामु अलैकुम क्लास वन, उर्दू के 24वें लेक्चर के साथ 24 लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास वन स्टूडेंट, आपको कल मैंने गिनती याद करने के लिए दी थी 6 से 10 तक की, ठीक है। अब उस गिनती का मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ। देखें बोर्ड पर आपके ये मैंने लिखा है, आप अपने उर्दू इस्लामियत की टेस्ट कॉपी निकालें और कॉपी खोलकर उस पर उर्दू टेस्ट की हेडिंग डालें और तारीख लिखें 27/1/2021 और 3 लाइन खींचें, एक में गिनती हिस्से और दूसरे तीसरे में लफ्ज़। गिनती है 6, 7, 8, 9, 10 और हिस्से हैं 6, 7, 8, 9, 10। गिनती क्या है 6, 7, 8, 9, 10, हिंसे हैं 6, 7, 8, 9, 10 और इन हिंसों के आपने अल्फाज लिखने हैं, सही है। ये जो डैश दिया हुआ है इसमें आपने 6 को कैसे लिखेंगे, आपने अल्फाज में ये गिनती लिखनी है, सही है। इसका आपको जो है स्क्रीनशॉट आपको इसमें मिल जाएगा, आपने किस तरीके से करनी है मैं करीब से और ले लेती हूँ ताकि आपके पास क्लियर तस्वीर जो है वो आपके पास आ जाए। सही है, ये टेस्ट आप करेंगे कॉपी के ऊपर और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजेंगे, सही है। अब इसके बाद जो है आप अपनी किताब मोतिया खोलें। कल की क्लास में मैंने आपको सफ़ा नंबर 70 पे ज़ेर के अल्फाज जो हैं उनकी सरगर्मी करवाई थी और आपको ज़ेर जो है वो आपको बताया था वो किसी भी हर्फ के नीचे लगता है और उसकी आवाज़ जो है आधी छोटी ए की आधी आवाज़ होती है, जैसे गिर, गाफ, रे, ज़ेर, गिर, ये क्या गिर रहा है, इसको साफ कर दो, इस अलिफ सीन ज़ेर इस, फिर गेन किसके पास है, किस, काफ सीन ज़ेर किस, फिर क्या है, ये गिन लो, गाफ नून ज़ेर गिन, सही है। इस तरीके से ये मैंने आपको सरगर्मी करवाई थी, ये सब बच्चों ने अपनी किताब में सरगर्मी कर ली थी। फिर मैंने आपको 5 अल्फाज लिखवाए थे, गिर, इस, किस, गिन, दिन, सही है। इस तरीके से जो है ये मैंने आपको काम कल करवाया था, आज जो है वो मैं आपको ज़ेर के अल्फाज के जुमले आपको कॉपी पे बनवा रही हूँ। आप अपनी क्लास वर्क कॉपी जो है वो खोलें और उस कॉपी के ऊपर हम आज जो है वो ज़ेर के कुछ अल्फाज लिखेंगे और फिर उनकी जो है वो उनके जुमले बनाएंगे, सही है। बोर्ड पे हम चलते हैं और ये बोर्ड को हम रब करके हम आगे का काम शुरू करते हैं। ओके क्लास वन, देखें ये बोर्ड पर मैंने सवाल लिखा है, अपनी कॉपी पर आप आज की डेट लिखिए 27/1/2021 और ये हेडिंग लिखें, ब्लू पेंसिल से दर्ज ज़ेल अल्फाज के जुमले बनाइए और अल्फाज लाइन खींचकर एक तरफ आपने अल्फाज लिखना है और एक तरफ जुमले की हेडिंग डालनी है, फिर आपने लफ्ज़ लिखना है पहला दिन, सही है। और इसका हम जुमला बनाएंगे दाल दिन जो है उसमें क्या आता है, ज़ेर आता है, दाल नून ज़ेर दिन, आज दिन का जुमला क्या होगा, आज आज पीर का दिन है, सही है। ये पहला जुमला बना लिया, आज पीर का दिन है, इस इसको साफ कर दो, इसको साफ कर दो, सही है। दूसरा मिल,
चीनी मिट्टी में मिल गई, या मिल मिल का बताएं, मिल का जुमला क्या होगा? जुम्मे की नमाज। नहीं, इस तरह बड़ा जुमला हो जाएगा। सारा अली सारा जारा से मिल रही है, जारा सारा से मिल रही है, जारा सारा से मिल रही है। गिन ये कॉपी, गिन लो ये पैसे, गिन लो ये पैसे, गिन लो। और फिर गिर, गिलास, मेज से गिर गया, गिलास मेज से गिर गया। गिलास मेज से गिर गया, सही है। ये जुमले आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं। ये मैंने 5 जुमले करवाए हैं आपको। और क्या है ये दिन? आज पीर का दिन है, इसको साफ कर दो। मिल जारा सारा से मिल रही है। गिन ये पैसे, गिन लो। गिर गिलास में से गिर गया, सही है। ये काम आपने कॉपी पर अच्छी सी राइटिंग में करना है, और इस काम को आपने डेट के साथ करना है। डेट ऊपर डालेंगे काम शुरू करने से पहले, और उसके बाद फिर सवाल लिखेंगे ब्लू पेंसिल से, और लाइन खींचकर अल्फाज और जुमले इस तरीके से आप करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। और सब बच्चे अच्छी अच्छी राइटिंग में अपना काम करेंगे, और जिनका काम जो है वो होता जा रहा है, वो अपने काम को कंप्लीट अच्छी राइटिंग में करके रखेंगे, और स्कूल में अपनी कॉपीज़ चेक करने के लिए भेजेंगे, सही है। किताब और कॉपी, जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी चेक नहीं करवाई है, वो अपनी कॉपीज़ जो हैं वो चेक होने के लिए, चेक करने के लिए स्कूल में अपनी किताब और कॉपियाँ भेजें, ताकि उनका काम चेक हो जाए। क्योंकि स्कूल अब आपके खुल जाएंगे, तो आपका काम जो है वो चेक होना चाहिए, सही है। सब बच्चे अपने काम को कंप्लीट करके और इस काम को चेक करने के लिए स्कूल में भेजें, सही है। और जो है ये काम आपको यहाँ पर हो गया, और मैं आपको डायरी जो है वो लेसन के नीचे जो है वो लिख के आपको भेज दूँगी। जब आपके पास लेसन आएगा कल ग्रुप के ऊपर, तो आपके इसके जो है नेक्स्ट डायरी जो है वो भी इसके साथ आपको मिल जाएगी। तो
तो आप ये काम जो है अच्छी राइटिंग में कर लीजिए। आज मैंने आपको जो है आपको 6 से 10 तक की गिनती का टेस्ट लिया और देर के अल्फाज जो हमने कल की क्लास में किए थे उनको उनका आगे का काम किया और उनमें से 5 लफ्ज़ जो हैं जो देर जिन लफ्ज़ों में लगता है उनके जुमले बनवाए और ये काम आपने अपनी कॉपी के ऊपर किया है। इसको कंप्लीट रखें और डायरी आपको इसके साथ मिल जाएगी जो मैं इसके साथ आपको लेक्चर के साथ आपको भेजूंगी। सही है। और अब आपकी क्लास लेक्चर नंबर 24 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।